क्या आपने कभी झील के अंदर बुलबुले देखे हैं ऐसे बुलबुले जो बिल्कुल सफेद बॉल की तरह दिखाई देते हैं प्रकृति का ये सुंदर नजारा जिस किसी ने भी देखा वो दंग रह गया जिस झील की हम बात कर रहे हैं वो कनाडा के पहाड़ों की तलहटी में स्थित है इस झील का नाम है अब्राहम झील जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं इस अनोखे झील में सर्दियों के मौसम में पानी के ऊपर बर्फ की एक परत जम जाती है और इस पानी की परत के ठीक नीचे कई सारे पानी के बुलबुले नजर आते हैं अब इस झील में पानी के बुलबुले कैसे जम जाते हैं दरअसल इस झील में जो बुलबुले दिखाई देते हैं वो मिथेन गैस के बुलबुले हैं, जो पानी के अंदर जम जाते हैं और ऊपर से देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है मानो पानी की बूंदे जम गई हों सर्दियों के मौसम में अब्राहम झील के आसपास के तापमान में काफी गिरावट आ जाती है इसके साथ यहाँ तेज बर्फीली हवाएं भी चलने लगती हैं। इस मौसम में इस झील की ऊपरी सतह में एक बर्फ की परत जम जाती है जो हु क्रिस्टल जैसी दिखाई देती है इस परत के नीचे बने बुलबुले साफ साफ दिखाई देते हैं झील के अंदर से ये बुलबुले ऊपर आते हैं और ऊपर आकर जम जाते हैं ये खूबसूरत नजारा देखने दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं जो बेहद खूबसूरत नजर आता है अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस झील से मीथेन गैस क्यों निकलती है और क्यों ये मीथेन गैस ऊपर आकर जम जाती है दरअसल इस झील की निचली सतह पर कुछ बैक्टीरियाज मौजूद हैं ये मृत कार्बोनिक पदार्थ रिलीज करते हैं और इन्हीं से काफी ज्यादा मात्रा में मिथेन गैस रिलीज होती है इसी मिथेन गैस के कारण ये बुलबुले के रूप में झील के ऊपर की ओर आ जाते हैं और ऊपर झील का तापमान ठंडा होने के कारण ये ऊपर आते ही जम जाते हैं ऐसे बुलबुले इस पूरी झील में देखने को मिलते हैं और ये नजारा देखने लायक होता है इस झील की सबसे अच्छी बात यह है कि इस झील का पानी एकदम साफ है और इसी कारण झील के अंदर मौजूद ये मिथेन गैस के बुलबुले साफ साफ दिखाई देते हैं आपको बता दें कि ये जमे हुए बुलबुले झील में काफी अंदर तक दिखाई देते हैं हर साल यहाँ पर्यटकों का, का ताता सर्दियों के मौसम में ज्यादा देखने को मिलता है इस समय पर झील पूरी तरह से जम जाती है और ऐसे में पर्यटक झील के ऊपर बैठते हैं चलते हैं स्केटिंग करते हैं इस दौरान ऐसा लगता है मानो आप इन बुलबुलों के ऊपर ही चल रहे हों वहीं झील में मौजूद इस मिथेन गैस को लेकर खतरा भी जताया जा रहा है वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसी प्रकार झील में मिथेन गैस बढ़ती चली गई तो इससे धरती के तापमान में भी अच्छा खासा असर पड़ सकता है हालांकि इस पर अभी भी शोध जारी ही है